महाराष्ट्र राज्यना मुंबई शहरना मीराभाई दरमा रहता डॉक्टर एस एम मिश्राए आ वर्षे संस्कृतिना गणपति बनाव्या होवानुं सामे आव्युं छे। मळती माहिती अनुसार डॉक्टर एस एम मिश्रा दर वर्षे पोताना घरमां नवा प्रकारना गणपति दाता लावे छे अने शणगारे छे, जे बाद बापानुं विसर्जन करे छे। त्यारे आ वखते गामनी नवीनतम यादोने याद करवा माटे डॉक्टर एस एम मिश्राए बापाने ट्रेक्टर पर बेसाड्या छे अने तेमनी आसपासनी सजावट अन्य लोकोनी थीम पर आधारित राख्युं छे। महत्वनुं छे कि एक तरफ सर आसाम मिश्राए पोताना समस्याओ अने मोबाइलमां व्यस्त रहेता लोकोने एक संदेश आप्यो छे कि तेओ भले पोताना जीवनमां व्यस्त रहे पण पोतानी संस्कृतिने भूलशो नहीं होवानुं जणावायुं छे। मिश्रा है, मैं मीराबेंदर में रहता, मीराबेंदर रोड में नक्षत्रा में, और 13 साल से गणपति लेके आ रहे हम लोग। और हर साल मैं कुछ नया यूनिक लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है कि लोगों को एक मैसेज देना चाहिए। मेरा एक मेन उद्देश्य ये होता है कि लोग समाज में जितने लोग हैं उनको कुछ गणेश चतुर्थी के अवसर पर, गणेश जी के अवसर पर कुछ मैसेज दो। तो जैसे मैंने 2 साल पहले गाँव के बच्चे और शहर के बच्चे, जिस तरह नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था उनके ऊपर बनाया कि गांव के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, अपने भविष्य को लेकर बहुत उज्ज्वल होते हैं। इस साल ऐसा है कि पहले के लोग और अभी के लोग, पहले हमारे यहाँ पे पुराने लोग एक सोच थी, समझ था, लोगों का सम्मान था, संस्कार था, और अभी जो है लोगों के ना तो लोग अपने मतलब अपनी खुद की लाइफ में बिजी हो गए, ना संस्कार रहा, ना कुछ लोगों के लिए सोचते हैं, बड़ों की इज्जत करना पहले बहुत था, अब धीरे धीरे वो इज्जत करना बंद हो चुका है। लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, बड़े माता पिताओं के साथ रहना, उठना बैठना, पर अब ना तो माता पिताओं के साथ रहते, अपने बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं। एक तरफ माता पिता अपने मोबाइल में बिजी रहेंगे, बच्चा अपनी तरफ रहेंगे, व्हाट्सएप पे बात करना, इंस्टाग्राम, मतलब अपनी रील, हंसी मजाक करना, कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। पहले कोई भी त्यौहार, इस बार का ऐसा कि हमारी संस्कृति किस तरीके से, पहले हमारी संस्कृति बड़ों की इज्जत करते थे, परिवार के साथ कोई भी त्यौहार फेस्टिवल मनाते थे, और अब नहीं मनाते, अब मोबाइल में रहते हैं, दोस्ती यारी घूमते हैं, डीजे में मस्ती करते हैं, पहले भजन कीर्तन होता था और अच्छे से त्यौहारों को आनंद लेते थे। एक त्यौहार को बड़े के पास छोटे बैठते थे, कुछ ज्ञान लेते थे, नॉलेज लेते थे कि त्यौहार क्या होता है, त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अब अपने अपने मोबाइल में रहते हैं, ना उन्हें कुछ त्यौहारों का पता है, ना कुछ बड़ों की इज्जत है, ना रिस्पेक्ट है। अपने गांव का भी हमें आज भी थोड़ी मतलब संस्कृति है हमारे यहाँ पे, परंतु आज शहर के शहर में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, बाजू में बिल्डिंग में क्या हो रहा घर के अंदर मालूम नहीं पड़ता। पहले गांव में तो अभी भी ऐसे कि बाजू में क्या हो रहा है उन्हें पता रहता है, किस तरीके से गाँव में लोग अपने हिसाब से मनाते थे, बातें करते एक दूसरे से। अब शहर में ऐसा कि कौन क्या कर रहा नहीं, मतलब हम अपना इन्जॉय करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। बड़ों को, माता पिताओं को आजकल बच्चे तू करके बोले, तू सुनना, परंतु आज भी गांव में बच्चे अपने माता पिता को माता पिता कहते हैं। अगर माता पिता भड़क भी जाए, गुस्सा भी हो जाए, तो दो बात सुनने की हिम्मत मतलब रखते हैं, पर आजकल शहर के बच्चे तुरंत माता पिता को उल्टा बोलते हैं। और पहले एकदम प्यार से रहते थे, बातचीत का त्यौहार था, बड़े आ गए उनकी इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, आजकल कोई घर पर मेहमान आ गए तुरंत बच्चे बाहर चले जाते हैं या अंदर जाके अपना मोबाइल में बातें करते हैं। कि सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी संस्कृति अपने को बचा के रखना, और यही हमारी विरासत है, और जितना हम संस्कृति में रहेंगे, हमारी विरासत को हो जाएंगे, उतना हमें अच्छा है। नील सोनी साथे CN24 न्यूज महाराष्ट्र। हवे जुओ देश दुनिया नी तमाम खबरो तमारी आंगणी ना टेरवे, उठावो मोबाइल अने गूगल प्ले स्टोर पर थी डाउनलोड करो अमारी CN24 न्यूज मोबाइल ऐप।